हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 हीट को रीड करेंगे। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि हीट क्या होती है, हम हीट को कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे नाप सकते हैं कि हीट कम है ज्यादा है, और कोई चीज हॉट है या कोल्ड है ये हमें कैसे पता चलता है। ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। चैप्टर 3 में आपने ये पढ़ा है स्टूडेंट्स कि जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो एनिमल फाइबर से बनते हैं। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। और आप ये पहले पढ़ चुके हैं कि जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं ये प्लांट फाइबर से बनते हैं। वुलन क्लॉथ्स याद रखिएगा, आप सर्दियों के दिनों में पहनते हैं, और कॉटन क्लॉथ्स आप गर्मियों के दिनों में पहनते हैं। वी वेयर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर्स। हम वुलन क्लॉथ्स विंटर यानी सर्दियों में पहनते हैं। व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड, जब बाहर ठंडक ज्यादा होती है। वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म, वुलन क्लॉथ्स हमें गर्म रखते हैं। देखिए ये कैसे होता है स्टूडेंट्स, देखिए विंटर के सीजन में क्या होता है कि हमारे बाहर का जो एटमोसफेयर है वो सारा ठंडा होता है, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो अगर हम वुलन क्लॉथ्स नहीं पहनेंगे तो हमारी बॉडी की जो हीट है वो सारी बाहर ट्रांसफर हो जाएगी, जिससे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो वुलन क्लॉथ्स क्या करते हैं, वुलन क्लॉथ्स में हवा ट्रैप हो जाती है, उसमें हवा होती है। तो जब हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं तो जो हवा होती है वुलन क्लॉथ्स में वो बैड कंडक्टर होती है, किसकी, हीट की, यानी वो हीट को अपने अंदर से होकर जाने नहीं देती। तो वुलन क्लॉथ्स पहनने से हमारी बॉडी की जो हीट होती है वो हमारी बॉडी की हीट बाहर नहीं जाती, यानी कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो हीट है वो वैसे का वैसा ही बना रहता है। तो वुलन क्लॉथ्स हमारी बॉडी की हीट को स्टेबल बना के रखते हैं। इसके बाद देखिए यहां लिखा है वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज हॉट। लेकिन गर्मियों के दिनों में हम लाइट कलर के कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। दीज गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस, इससे हमें ठंडक का एहसास होता है। देखिए ये कैसे होता है, जो लाइट कलर के जो क्लॉथ्स होते हैं स्टूडेंट्स ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि गर्मियों के दिनों में बाहर का एटमोसफेयर गर्म होता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। तो अगर हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं कॉटन के क्लॉथ्स तो ये हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी खींचते नहीं है बल्कि हीट को वापस भेजते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एकदम से बढ़ता नहीं है। जैसे बाहर गर्मी ज्यादा है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर उसके मुकाबले कम ही रहता है, जिससे कि हमें ठंडक का एहसास होता है। यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अलग अलग सीजन के लिए अलग अलग तरह के कपड़े क्यों पहने जाते हैं। इस चैप्टर में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। इन विंटर यू फील कोल्ड इन साइड द हाउस, सर्दियों के दिनों में घर के अंदर भी आपको ठंडक का एहसास होता है स्टूडेंट्स। इफ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म, और जब आप सर्दियों के दिनों में घर से बाहर आते हैं, जब बाहर सूरज निकला होता है तो आपको बाहर आने पर गर्मी का एहसास होता है। इन समर, गर्मियों के दिनों में यू फील हॉट इवन इन साइड द हाउस, जबकि गर्मियों के दिनों में घरों के अंदर भी आपको गर्मी का एहसास होता है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज गर्म है या ठंडी है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज, और हमें यह कैसे पता चलता है कि कोई भी चीज कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर्स टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। इस चैप्टर में हम इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। हॉट एंड कोल्ड, इन अवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आप अपने आसपास हर रोज कई तरह की चीजें देखते हैं स्टूडेंट्स। सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड, उनमें से कुछ चीजें गर्म होती है और कुछ ठंडी। टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड, जैसे कि चाय गर्म होती है और बर्फ ठंडी होती है। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट, हम देख सकते हैं कुछ चीजें ठंडी होती हैं और कुछ चीजें गर्म होती हैं। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स, अगर आपके सामने ऐसी दो चीजें हैं जो दोनों ही गर्म हैं, तो उसमें यह भी पॉसिबिलिटी है कि एक चीज दूसरे के मुकाबले ज्यादा गर्म हो सकती है, और अगर दो ठंडी चीजें दी गई हैं तो यह भी पॉसिबिलिटी है कि एक चीज दूसरी चीज के मुकाबले ज्यादा ठंडी हो सकती है, यानी कि जो गर्म चीजें हैं उनमें भी डिफरेंस हो सकता है। कोई चीज ज्यादा गर्म है कोई कम गर्म है, और जो चीजें ठंडी हैं उनमें कोई चीज ज्यादा ठंडी हो सकती है कुछ कम ठंडी भी हो सकती है।
हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर? हम ये कैसे डिसाइड कर पाते हैं कि अगर दो गर्म चीजें हैं तो उनमें से ज्यादा गर्म कौन सी है? वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट्स। कई बार हम अंदाजा लगाने के लिए सिर्फ उनको हल्का सा टच करके देख लेते हैं, जिससे हमको आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज ज्यादा गर्म है, कौन सी कम गर्म है। बट इज अवर सेंस ऑफ टच रिलायबल? लेकिन ये जो हमारा सेंस ऑफ टच होता है, क्या इस पर हम पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं? क्या ये बिल्कुल एक्यूरेट होता है? देखिए स्टूडेंट्स, जब आप टच करके किसी चीज की हॉटनेस चेक करते हैं तो आपको सिर्फ एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाता है कि हाँ ये ज्यादा गर्म है थोड़ी, ये दूसरी चीज कम गर्म है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए तो उसके लिए आपको उसका सही टेम्परेचर पता होना चाहिए, जो सेंस ऑफ टच से हमें नहीं पता चलता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या तरीके अपनाए जाते हैं वो अभी हम आपको बताएंगे। अब हम ये एक्टिविटी 4.1 देखेंगे। टेक थ्री स्मॉल टब्स या कंटेनर, आप तीन टब या कंटेनर ले लीजिए। लेबल देम एज ए बी एंड सी। आप पहले टब को नाम दे दीजिए ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी। पुट कोल्ड वाटर इन मग ए। मग ए में तो आप ठंडा पानी डालिए, एंड हॉट वाटर इन मग बी, और मग बी में गर्म पानी डालिए। मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग सी, और जो मग सी है उसमें आपने थोड़ा सा ठंडा और थोड़ा सा गर्म, यानी दोनों को मिक्स करके डाल दिया। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए। अपने लेफ्ट हैंड को आप मग ए में डालिए जिसमें कि ठंडा पानी है, एंड द राइट हैंड इन मग बी, और अपने राइट हैंड को मग बी में डालिए जिसमें कि गर्म पानी है। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द टू मग्स फॉर 2 to 3 मिनट्स। अब इन दोनों ही मग्स में आप 2 से 3 मिनट तक अपने इन हाथों को रखें, लेफ्ट हैंड को ठंडे पानी वाले मग में और राइट हैंड को गर्म पानी वाले मग में। पुट बोथ द हैंड साइमल्टेनियसली इन मग सी, और उसके बाद दोनों हाथों को पहले तो उन मग से निकालिए और दोनों हाथों को एक साथ आप क्या करेंगे, मग सी में डालेंगे। जैसे कि देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर भी दिखाया गया है, लेफ्ट हैंड ये ठंडे पानी में डाला हुआ है, राइट हैंड ये गर्म पानी में डाला हुआ है, और उसके बाद दोनों ही हाथों को हमने सी मग में डाल दिया जिसमें ठंडा और गर्म पानी दोनों ही मिक्स है। अब इसके बाद देखिए यहाँ क्या लिखा है, डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग। क्या आपके दोनों हाथों पे सेम फीलिंग आ रही है? देखिए यहां पर क्या लिखा है, बूझो सेज माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वॉटर इन मग सी इज हॉट। आपका लेफ्ट, बुझो ने कहा कि उसका जो लेफ्ट हैंड है उसको इससे इस तरीके की फीलिंग आ रही है कि जो सी मग का पानी है वो गर्म है। एंड द राइट हैंड टेल्स मी दैट द सेम वॉटर इज कोल्ड। और उसका राइट हैंड कैसी फीलिंग दे रहा है कि जो सेम वॉटर है, जो मग सी में वॉटर है वो ठंडा है। व्हाट शुड आई कंक्लूड? तो बूझो कंफ्यूज हो जाती है कि मैं क्या रिजल्ट निकालूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका लेफ्ट हैंड था वो आपने पहले डाला ठंडे पानी में, और जो राइट हैंड था वो था गर्म पानी में। अब जब 2-3 मिनट रखने के बाद आपने जब ये हाथ बाहर निकाले और सी मग में डाला जिसमें कि एक नॉर्मल सा पानी था जो ठंडे और गर्म को मिक्स करके बनाया गया था, तो जो लेफ्ट हैंड था आपका वो पहले बहुत ठंडा था, तो जैसे ही वो इस सी मग के वाटर में गया तो उसको थोड़ा नॉर्मल वाटर मिला, तो उसको ऐसा फील होगा जैसे कि सी वाटर का, सी मग का जो वाटर है वो हॉट है। लेकिन जो आपका राइट हैंड था वो पहले गर्म पानी में रहा 2-3 मिनट, तो उसका जो टेम्परेचर था वो ज्यादा था। जैसे ही आपने उसे सी मग में डाला तो वहां पर उसको जो पानी मिला वो नॉर्मल था, तो राइट हैंड को ऐसी फीलिंग आएगी जैसे इसका पानी का टेम्परेचर कम है। तो इस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि जो हमारा सेंस ऑफ टच है ये हमेशा हमें एक्यूरेट जानकारी नहीं देता। यहां पर देखिए यही लिखा है, बूजोस कंफ्यूजन शोज दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन अवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। तो यहां पर हमें यही पता चला है कि जो सेंस ऑफ टच है हम हमेशा उस पर रिलाई नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते, ये चेक करने के लिए कि कौन सी चीज गर्म है या कौन सी चीज ठंडी है। समटाइम्स इट मे डिसीव अस। कई बार ये हमें गलत चीज भी बता सकता है, हमें गलत जानकारी भी मिल सकती है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज? तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज सही मायने में कितनी गर्म है, उसका टेम्परेचर कितना है? अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। अगर आपको किसी भी चीज की विश्वसनीय, पूरी तरह से एक्यूरेट हॉटनेस उसकी पता करनी है, उसकी मेजरमेंट पता करनी है हॉटनेस की, तो उसके लिए आपको उसका टेम्परेचर पता होना चाहिए। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। और जो टेम्परेचर होता है उसको नापने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है स्टूडेंट्स? थर्मोमीटर।
अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स मेजरिंग टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को कैसे नापा जाता है, कैसे मेजर किया जाता है। हैव यू सीन अ थर्मामीटर, क्या आपने थर्मामीटर देखा है। रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर। कभी कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपको फीवर आया हो या आपकी फैमिली में किसी को फीवर आया हो, तो टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। द थर्मोमीटर दैट मेजर्स अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। ऐसा थर्मोमीटर जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को नापने के काम आता है, ऐसे थर्मोमीटर को हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है जो कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने के काम आता है। ये जो पार्ट आप ये देख रहे हैं ये ग्लास का बना होता है, और ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं बल्ब। ठीक है, इसके अंदर मरकरी भरा होता है। मरकरी एक मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, अब जैसे ही किसी ह्यूमन बॉडी को का टेम्परेचर नापने के लिए यूज किया जाता है, तो यहां से देखिए ये एक छोटा सा रास्ता बना हुआ, पतला सा रास्ता जो यहां तक आ रहा है, ये थ्रेड लाइक होता है धागे की तरह। तो जब टेम्परेचर इसका बढ़ता है किसी ह्यूमन बॉडी में, जब आप थर्मामीटर यूज करते हैं, तो जैसे ही उसका टेम्परेचर इसमें बढ़ता है तो मरकरी यहां से आगे की तरफ आना शुरू हो जाता है, और यहां पर इसकी मेजरमेंट होती है। यहां पर थर्मामीटर में दो तरीके की मेजरमेंट होती है स्टूडेंट्स, ऊपर की तरफ ये होती है डिग्री सेल्सियस में, नीचे की तरफ होती है फ़ारेनहाइट में। हम इसको किस में मेजर करते हैं, हम इसको डिग्री सेल्सियस में चेक करते हैं, डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये बल्ब में से जब ये मरकरी बाहर निकलता है तो यहाँ पर एक छोटा सा कर्व होता है, घुमाव होता है। वो इसलिए होता है जिससे कि ये मरकरी, जब हम टेम्परेचर किसी ह्यूमन बॉडी का चेक करें और उसके बाद इसको पढ़ने की कोशिश करें, तो उतनी देर में ये मरकरी वापस ना चला जाए, तो यहाँ हल्का सा एक कर्व दिया जाता है जिससे कि ये मरकरी वापस नहीं जाता। तो पहले हम थर्मामीटर यूज करते हैं और इस मरकरी का लेवल चेक करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि टेम्परेचर कितना है, और उसके बाद जैसे मान लीजिए कि थर्मामीटर है, फिर इसको ऐसे झटका दिया जाता है दो चार बार जिससे मरकरी वापस चला जाता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स यही चीज लिखी गई है, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। ये ग्लास का बना हुआ पार्ट है ये पूरा। इट हैज अ बल्ब एट वन एंड, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये बल्ब है। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी, इसी बल्ब के अंदर यहाँ पर मरकरी होता है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ अ मरकरी कैन बी सीन। ये जो रास्ता आपको पतला सा नजर आ रहा है ये थ्रेड लाइक होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। इफ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट। अगर आपको ये मरकरी का ये जो रास्ता है ये नजर नहीं आता थ्रेड लाइक, तो आप थोड़ा सा थर्मामीटर को घुमाएंगे तो ये आपको नजर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर। यहाँ पर आपको स्केल पता चलते हैं, जैसे हमने बताया था ऊपर की तरफ डिग्री सेल्सियस में और नीचे की तरफ फ़ारेनहाइट में। द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस, और हम जो स्केल यूज करते हैं ये ऊपर वाला यानी डिग्री सेल्सियस वाला यूज करते हैं। इसके बाद हमसे कहा गया है अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है स्टूडेंट्स, यानी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने वाला थर्मोमीटर, उसकी जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। थर्मोमीटर की रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक इसलिए रखी जाती है स्टूडेंट्स, कि जो नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर होता है, जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो इसी के बीच में लाई करता है। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स रीडिंग अ थर्मोमीटर, हम थर्मोमीटर को कैसे रीड करते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। सबसे पहले तो हमें दो बिगर मार्क्स को देखना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए 37 और 38, ये दो बिगर मार्क्स हो गए। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स शोन बाय स्मॉलर मार्क्स। और फिर हमें ये देखना होता है कि दो बिगर मार्क्स के बीच में जो डिविजन है वो कितने हैं। ठीक है, बिटवीन दीज मार्क्स सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन दैम, देन वन स्मॉल डिविजन कैन रीड इज इक्वल टू 1/5 इज इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। अब इसको ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि इसका मतलब क्या है, हम आपको ये सारी चीजें एक रफ डायग्राम के थ्रू अभी सिखाएंगे।
अब देखिए स्टूडेंट्स, हम ये डायग्राम के थ्रू आपको सिखाएंगे। यहाँ पर दो तरीके से हमने ये थर्मामीटर दिखाया है, ये रफ डायग्राम्स है। जैसे यहाँ पर देखिए डिवीजन दो तरीके से होती है। आप यहाँ पर ये देखिए बिगर मार्क्स, अभी आपको हमने पढ़कर बताया था कि बिगर मार्क्स आपको पहले चेक करने हैं। तो ये देखिए 37 और ये 38 है, तो ये तो बिगर मार्क्स हो गए। अब देखिए इनके बीच में डिवीजन कैसा हुआ हुआ है। ये 37 है, उसके बाद 1, 2, 3, 4 और पांचवें नंबर पे फिर ये 38 आ रहा है। जब इस तरह का डिवीजन होता है तो ये जो छोटे वाले, ये जो स्मॉल डिवीजन होते हैं, ये 0.2 के डिफरेंस पर होते हैं। जैसे ये 37 है तो ये क्या होगा, 37.2। अगले पे आप कहाँ आ जाएंगे, 37.4, यानी 0.2 बढ़ता जाएगा, फिर 37.6, फिर 37.8, और जब 37.8 में 0.2 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 38। अब मान लीजिए कि आपने थर्मामीटर का यूज किया और जो मरकरी था वो फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पर आ गया 37 से अगले पॉइंट पे, तो आपका टेम्परेचर कितना होगा स्टूडेंट्स, 37.2। हम मान लेते हैं कि वो यहाँ थर्ड पॉइंट पर आ जाता है इस पे, तो इस केस में यहाँ पर आके मरकरी रुक गया, तो फिर आपका टेम्परेचर क्या होगा, 37। 37 में 0.2 ऐड करेंगे, 37.2, उसमें 0.2 फिर ऐड कीजिए, 37.4, और जब यहाँ आएंगे तो क्या होगा, 37.6, क्योंकि 37.4 में फिर से आप क्या ऐड करेंगे, 0.2। तो यहाँ पर ये 0.2 का डिफरेंस होता है स्मॉल डिवीजन में। इस तरीके से आप ये जो डायग आपका जो जो फीवर होता है, जो आपका टेम्परेचर है, उसको आप यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। ये जो डिवीजन है ये यहाँ पर देखिए कैसी है, ये 37 है, ये 38 है, ये तो दो बिगर डिवीजन हो गई। अब देखिए 37, उसके बाद 37.1, 0.2, 0.3, 0.4, क्योंकि एक एक बढ़ता जा रहा है, 37.5, 37.6, 37.7, 37.8, 37.9, और अब कहाँ पहुंच गए आप, 38 पे। तो जब इस तरीके से गैप मिले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10वें नंबर पे अगला बिगर नंबर आए, तब हर ये छोटा डिवीजन आपको 0.1 देता है। जबकि यहां पर क्या था, ये हर छोटा डिवीजन जो स्मॉल डिवीजन था ये 0.2 के गैप पर था, यहाँ 0.1 के गैप पर होगा। अब मान लीजिए आपका जो मरकरी है वो टेम्परेचर चेक करने पे यहाँ पहले पॉइंट पे रुक गया, इसका मतलब आपका टेम्परेचर कितना है, 37.1। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ रुक गया इस पॉइंट पे, तो देखिए कितना टेम्परेचर होगा, 37.1, 0.2, 0.3, 0.4, 37.5। तो इस तरीके से आप ये ध्यान रखिएगा कि ये डिवीजन ये 5 के गैप में चल रहा है या 10 के गैप में चल रहा है। 5 के गैप में चल रहा है तो 0.2 का गैप रहेगा, और अगर 10 के गैप में चल रहा है तो हर स्मॉल डिवीजन 0.1 का गैप देगा। अब यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि आपका जो भी टेम्परेचर आता है, जो आप थर्मामीटर यूज करके चेक करते हैं, वो हमेशा डिग्री सेल्सियस में आपने चेक करना है। जैसे 37.2 डिग्री सेल्सियस, 37.5 डिग्री सेल्सियस। अब आगे हमें बताया गया हमें किस तरीके से थर्मामीटर को यूज करना है। वॉश द थर्मामीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। आपको हमेशा थर्मामीटर यूज करने से पहले तो उसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से साफ करना चाहिए। होल्ड इट फर्मली, उसको टाइटली पकड़िए, एंड गिव इट अ फ्यू जर्क, और उसको इस तरीके से ऐसे झटका देना है। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी डाउन, इससे जो आपका मरकरी होगा उसका लेवल डाउन हो जाएगा। एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, और आपको ये ध्यान रखना है कि जो मरकरी का लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ जाना चाहिए यूज करने से पहले। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर, और जो इसका बल्ब होता है यानी कि जो ये वाला पार्ट है, अंडर योर टंग, इसको आप अपनी जीभ के नीचे रखेंगे। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद टेक द थर्मामीटर आउट, 1 मिनट के बाद थर्मामीटर अपने मुंह से बाहर निकालेंगे। एंड नोट द रीडिंग, और उसके बाद आप रीडिंग चेक करेंगे कि जो मरकरी है वो कहाँ तक पहुंचा है। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर, और जिस मेजरमेंट तक वो मरकरी शो कर रहा होगा वही आपका बॉडी टेम्परेचर होगा। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट्स डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर के साथ हमेशा आपने डिग्री सेल्सियस लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस, अगर कई बार नहीं भी होता तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कई बार ये 37 डिग्री सेल्सियस से हल्का सा ऊपर या बहुत हल्का सा नीचे हो सकता है, क्योंकि ये एक एवरेज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बताया गया है, जो हल्का सा ऊपर नीचे होने में हमें दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ प्रिकॉशंस दी गई हैं जो क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज करते वक्त आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले है
थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज। यूज करने से पहले और यूज करने के बाद थर्मोमीटर को साफ करना चाहिए, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। किससे साफ करना चाहिए? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। एंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। थर्मोमीटर यूज करने से पहले उसका जो मर्करी लेवल है उसको 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाना होता है। थर्ड है, रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। और जब भी आप थर्मोमीटर में रीडिंग को नोट कर रहे हो कि कितना टेम्परेचर है, तो हमेशा उसकी जो लाइन होती है जिसमें कि मर्करी आगे मूव करता है, उसको बिल्कुल अपनी आंखों के सामने लाकर उसको चेक करना चाहिए। हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर। आपको थर्मोमीटर को बड़े ध्यान से हैंडल करना चाहिए। इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट, अगर ये किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकरा जाएगा, इट कैन ब्रेक, तो ये टूट सकता है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। जब आप थर्मोमीटर को रीडिंग को पढ़ रहे हो, तो उसको आपको बल्ब की साइड से नहीं पकड़ना चाहिए, यानी इस साइड से नहीं पकड़ना चाहिए। और यहां पर देखिए, आपको ये भी दिखाया गया कि इसको रीडिंग को पढ़ना कैसे है। आंखों के सामने ये वाला पार्ट आपने इस तरीके से लेकर आना है और इस रीडिंग को यहां पर चेक करना है। नेक्स्ट हमसे कहा गया, स्टूडेंट्स, इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। हमने अभी कई बार पढ़ा कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो यहाँ यही कहा गया है कि सभी का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है। अब ये ध्यान से समझिएगा, द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। हो सकता है कि सभी ह्यूमन बींग्स का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ना होता हो। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। ये हल्का सा ऊपर भी हो सकता है 37 डिग्री सेल्सियस से और हल्का सा नीचे भी हो सकता है। एक्चुअली वट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। ये जो 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बताया जाता है, ये एक एवरेज बॉडी टेम्परेचर है जो बहुत सारे लोगों में चेक करके एक एवरेज सेट कर दिया गया है कि हाँ, ये एक एवरेज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है सभी ह्यूमन बींग्स का, लेकिन ये हल्का सा ऊपर और हल्का सा नीचे हो सकता है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइंड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। क्लिनिकल थर्मोमीटर को ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए बनाया जाता है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है स्टूडेंट्स, वो नॉर्मली 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी नहीं जा सकता और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी नहीं जा सकता। दैट इज द रीजन दैट दिस थर्मोमीटर हैज द रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। यही रीजन है, यही वजह है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस रखी जाती है। अब इस चीज को पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर हमें सावधानी बरतने के लिए कहा गया है, डू नॉट यूज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के अलावा और किसी चीज का टेम्परेचर चेक करने के लिए नहीं करना चाहिए। यानी क्लिनिकल थर्मोमीटर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए ही बनाए जाते हैं। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम। और आपको थर्मोमीटर को कभी भी सन यानी कि खुले में सूरज की गर्मी जब पड़ रही हो तब नहीं छोड़ना चाहिए और आग के पास भी नहीं रखना चाहिए। इट में ब्रेक, इससे ये ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। अभी हमने देखा कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए तो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, तो बाकी चीजों के टेम्परेचर हम कैसे चेक करेंगे? फॉर दिस पर्पस देर आर अदर थर्मोमीटर्स। इन चीजों के लिए अलग थर्मोमीटर्स बनाए जाते हैं। वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ऐसे एक थर्मोमीटर को लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहा जाता है जो लैब्स में लेबोरेटरी में इस्तेमाल किया जाता है। द टीचर विल शो यू दिस थर्मोमीटर। आप अपने स्कूल टीचर को कहकर ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर चेक कर सकते हैं। लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। और इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें हाइएस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा कितना टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है और लोएस्ट कम से कम कितना टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है। जैसे क्लिनिकल टेम्परेचर में हमने देखा था स्टूडेंट्स कि उसमें जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। ऐसे ही अब देखिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज क्या होती है। द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस।
अब अगर आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज को कंपेयर करेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज के साथ, तो इसकी रेंज उससे बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज सिर्फ 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है, जो बहुत कम है, जबकि यहाँ देखिए -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक है। -10 डिग्री सेल्सियस मतलब आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर से जो आइस होता है, बहुत चिल वाटर या आइस, उसका भी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, और 110 डिग्री सेल्सियस यानी जो बॉइलिंग वाटर होता है, बॉइलिंग वाटर जब वो स्टीम में भी चेंज होना शुरू हो जाता है, आप बॉइलिंग वाटर का भी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं किससे, लेबोरेटरी थर्मोमीटर से। ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर, फाइंड आउट हाउ मच अ स्मॉल डिविजन ऑन दिस थर्मोमीटर रीड्स। जैसे हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर में देखा था स्टूडेंट्स कि दो बिगर नंबर्स के बीच में या तो 5 डिवीजन होते हैं या 10 डिवीजन होते हैं, तो यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उनमें जो दो बिगर नंबर्स हैं उनके बीच में डिवीजन कैसे दिए गए हैं। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली। थर्मोमीटर को सही तरीके से रीड करने के लिए आपको ये इंफॉर्मेशन चेक करना जरूरी होता है। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज यूज। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर किस तरीके से यूज किया जाता है। अब हम एक्टिविटी 4.4 देखेंगे स्टूडेंट्स, जिसमें हम देखेंगे कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर को किस तरीके से यूज किया जाता है। टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग। आप एक मग या बीकर लीजिए और उसमें पानी भर लीजिए। डिप द थर्मोमीटर इन वॉटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वॉटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये एक बीकर लिया, इसमें आपने पानी भर लिया और इसमें ये आपने लेबोरेटरी थर्मोमीटर डाल दिया है, तो इसका जो ये बल्ब वाला पार्ट है, ये देख रहे हैं, ये पानी में होना चाहिए, लेकिन ये इस बीकर के बॉटम को भी टच नहीं करना चाहिए और इसकी साइड्स को भी टच नहीं करना चाहिए। ओके, होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली। और आपने थर्मोमीटर को कैसे पकड़ना है, वर्टिकली। वर्टिकली मतलब जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, एकदम ऐसा सीधा खड़ा करके। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर। उसके बाद आपको मरकरी की मूवमेंट चेक करनी है या थर्मोमीटर में, तो ये मरकरी यहाँ पर इधर नीचे से ऐसे ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी। और आपने तब तक वेट करना है जब तक जो ये मरकरी है ये एक जगह आकर स्टेबल ना हो जाए, और जहां पर ये आकर रुक जाएगा वहीं से आपको पता चलेगा कि टेम्परेचर कितना है पानी का, क्योंकि हमने थर्मोमीटर को किसमें डाला था, पानी में डाला था, तो इससे हमें पानी का टेम्परेचर पता चल जाएगा। नोट द रीडिंग, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वॉटर एट दैट टाइम। और यहां पर जहां पर भी ये मरकरी रुक जाएगा वहां पर आप रीड कर सकते हैं कि जो पानी का टेम्परेचर है वो कितना है। अब हम एक्टिविटी 4.5 देखेंगे। टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग। आप एक बीकर या मग में गर्म पानी लीजिए। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर और फिर उस पानी में थर्मोमीटर डाल दीजिए। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर। फिर जो मरकरी का लेवल जहां पर जाके रुक जाता है फिर आपने उसको रीड करना है और वहां से आपको टेम्परेचर पता चल जाएगा। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वॉटर। और अब उस थर्मोमीटर को आपने वॉटर से निकाल लेना है। ऑब्जर्व केयरफुली। अगर अब आप ध्यान देंगे, वट हैपन्स नाउ, अब क्या होगा। डू यू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वॉटर द लेवल ऑफ मरकरी बिगिन्स टू फॉल। जैसे ही आप पानी में से थर्मोमीटर निकालेंगे जो मरकरी का लेवल होगा वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इन वॉटर। इसका मतलब ये है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर से हमें जो टेम्परेचर यहाँ पर चेक करना है वो हमें तभी पता करना है जब थर्मोमीटर पानी के अंदर है, क्योंकि जैसे ही हम पानी में से थर्मोमीटर निकालेंगे मरकरी का लेवल नीचे आना शुरू हो जाएगा। यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग। अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में आपको पहले थर्मोमीटर अपने मुंह से निकालना होता है और उसके बाद आप टेम्परेचर रीड करते हैं, जबकि यहां हमने क्या देखा लेबोरेटरी थर्मोमीटर में कि जैसे ही पानी में से इस थर्मोमीटर को बाहर निकालेंगे मरकरी का लेवल नीचे आ जाता है। इसका मतलब क्लिनिकल थर्मोमीटर में ऐसा नहीं होता। ऐसा किस वजह से नहीं होता ये अभी हम आपको बताएंगे। कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर
बॉडी टेम्परेचर, तो क्या आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर को अपना बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए यूज कर सकते हैं? ऑब्वियसली इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पस, यानी कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम अपना बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए यूज नहीं कर सकते। Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? जब क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम अपने मुंह से निकालते हैं तो उसका मर्करी का लेवल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता? ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन, आप एक क्लिनिकल थर्मोमीटर को जब दोबारा ध्यान से देखेंगे, डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब, तो बल्ब के पास देखिए आपको एक किंक नजर आएगा। किंक ये हल्का सा कर्व होता है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा यहाँ पर इस रास्ते को घुमा दिया जाता है जिससे कि ये मर्करी को अपने आप नीचे आने से रोकता है। वट इज द यूज ऑफ द किंक, किंक का क्या यूज होता है? इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन, ये मर्करी लेवल को अपने आप नीचे आने से रोकता है। अगर क्लिनिकल थर्मोमीटर में आपको थर्मामीटर दोबारा यूज करना है तो उसके लिए मर्करी लेवल को नीचे लाने के लिए, जैसे मान लीजिए कि ये थर्मोमीटर है क्लिनिकल थर्मोमीटर, आपको इस तरीके से झटका देना होता है, जर्क देना होता है, ये अपने आप मर्करी लेवल नीचे नहीं आ सकता। किसकी वजह से? किंक की वजह से। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मर्करी इन थर्मोमीटर्स। मर्करी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ अ थर्मोमीटर ब्रेक्स। मर्करी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, जहरीला सब्सटेंस होता है, और अगर थर्मोमीटर टूट जाए तो मर्करी को साफ करना भी मुश्किल हो जाता है। दीज डेज डिजिटल थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज मर्करी, इसलिए अब जो थर्मोमीटर यूज किए जा रहे हैं वो मर्करी वाले यूज नहीं किए जाते, अब ज्यादातर जो यूज किए जाते हैं वो डिजिटल थर्मोमीटर्स होते हैं जिनमें कि मर्करी का इस्तेमाल नहीं होता। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।